हेलो फ्रेंड्स नमस्कार। तो फ्रेंड्स देखंतु ओडिशा कृषि ऑफिस तरफ एक बहुत बड़ नियुक्ति आसी जदि आपणकर मिनिमम क्वालिफिकेशन मैट्रिक पास थी तेज पोस्ट अप्लाई करेंगे। जदि आपर सिलेक्शन पाँच तो 35,000 पर मंथ आपर सैलरी पाइपर जहाँकि एक बहुत भल दरमा रेंड्स एपर आप्लाय करेंगे। यार आप्लाय कर फुल प्रोसेस भी मुझे आपको ये भिडियो शेष में कहबी। जदि आप्लाय करने इंटरेस्ट रखुंत तेब भिडियोटी को शेष वजन देखु। चलतु प्रथम आलोचना करवा जे कौन रही है ऑफिशियल नोटिफिकेशन टी। फ्रेंड्स जदि आपज जिलार आसुवा यह नुआ नुआ सरकारी जब्र न्यूज पाया चाहूँ तेब आम चैनल टी सब्सक्राइब करनी भिडटी को भी गोटे लाइक कर दिंतु। फ्रेंड्स देखु ए नोटिफिकेशन टी ओडिशा कृषि ऑफिस आईसीएआर तरफ ही नोटिफिकेशन टी आसी जहाँकि आईसीएआर एनआरआरआई कटक तरफ ही ए नोटिफिकेशन टी रिलीज हो देखते क्यों अप्लाई करेंगे ना ये अल ओडिशार पाने अप्लाई करेंगे। आम ओडिशार समस्त जिलार पाने पोस्ट अप्लाई करेंगे। सब जिलार पाने पोस्ट अप्लाई करेंगे। जेंडर टी भी बहुत मेल एंड फिमेल रोज उभय पुरुष और महिला प्रार्थी मैंने भी पोस्ट अप्लाई करेंगे। सैलरी एप 18,000 रु आरंभ हो 35,000 पर्यंत आपको ये पर मंथ सैलरी मिल पार जहाँकि एक बहुत भल सैलरी रही है। प्लस आपको ये अदर आलाउंस भी मिल पार जोटा भी जहाँकि गवर्नमेंट जॉब रहा सरकारी चाकरी रहा जी पोस्ट टाइम। तो फ्रेंड्स देखते ये दुई प्रकार पोस्ट वैकेंसी रही। प्रथम तो ये वाईपी ऑफिसर पर पोस्ट रही स्किल्ड हेल्प वैकेंसी रही दुईट पोस्ट हिंसा अप्लाई करेंगे। यहाँ रही एजुकेशन क्वालिफिकेशन पाने देखते जदि आप मिनिमम क्वालिफिकेशन मैट्रिक पास थी कि मैट्रिक सहित प्लस टू थी किंवा आपंकर प्लस थ्री थी साइंस थी प्लस थ्री किंवा आपंकर डिप्लोमा क्वालिफिकेशन थी एग्रीकल्चर फील्ड में तेज भी अप्लाई करेंगे। देखो जदि आपंपुर कौन भी गोटे क्वालिफिकेशन थी तेब भी अप्लाई करेंगे। ये कौन भी असुविधा ना। यहाँ देखो एथपाई कौन सब आप्लिकेसन फी रही आपंकर कैटेगोरी जेनराल ओबीसी किंवा एसएसटी जेकोसी कैटेगोरी भी आपने ये फ्री में अप्लाई करेंगे कारण समस्त फ्री रही। यहाँ पर अच्छी एज लिमिट। तो पिलामने देखंतु एथिपई दुईट पोस्ट पे भिन्न भिन्न एज लिमिट रही। गोटे पोस्ट होची आपनकर वाईफी ऑफिसर एथिपई आपनकर 18 रु सॉरी फ्रेंड्स 21 रु 55 इयर्स बा 55 वर्ष वयस रहइबो। जदि आप माने स्किल्ड हेल्प पोस्ट अप्लाई करिवे तो एथिपई आपनकर 18 रु 50 वर्ष वयस रहइबो। या छोडा अदर कैटेगरी जेपर कि ओबीसी एससी एसटी एवं फिजिकल हैंडीकैप्ड पिलामनकु भी एथिरे अतिरिक्त ए सुविधा भी मिलि परिबो। यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस। तो पिलामने देखंतु एथिपई कोनोसी प्रकार एग्जाम नाही नो एग्जाम रही। प्रथम आप्लाय करेंगे किपर आप्लाय करेंगे ना आपको ये इंटरव्यू अटेंड करने पड़ो। इंटरव्यू में आपंकर पर्सनल इंटरव्यू रहा आपंकर जहाँ भी सर्टिफिकेट थी चेक कर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रही। तो पिलामने एही किछि प्रोसेस द्वारा ही आप सिलेक्शन पाइपर सब इनफर्मेशन आपको पीडीएफ भी मिल जाव। अप्लाई कला समय मुझे यार फुल इनफर्मेशन भी जनईदेवी। यहाँ पर देखो एथपाई कौन सब इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट आवश्यक पड़ो कारण जिते बड़े आप्लाय करेंगे आप्लाय कला समय सब इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट आवश्यक पड़ो बोथ ओरिजिनल एंड जेरोक्स कॉपी कारण आपने इंटरव्यू अटेंड करेंगे से समय सब डॉक्यूमेंट आवश्यक पड़ो। जदि आप तो आपर फॉर्म टी रिजेक्ट हो जो सिलेक्शन प्रोसेस थे से बाहर जी। तो ये चेक कर निजे कौन कौन सब डॉक्यूमेंट आवश्यक पड़ो। प्रथम तो रही है आपंकर ऑल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट। देखो पीडीएफ रे जो पोस्ट पे जहाँ भी मेंशन थी भला भाव पढ़े जदि आपखे से सब क्वालिफिकेशन योग्यता थी तेज से सर्टिफिकेट तहार जेरक्स सहित ओरिजिनल को भी साथ आपंकर जेरक्स रखिए ओरिजिनल को रिटर्न करदे। यहाँ पर आपंकर मैट्रिक प्लस तो मुझे कहली जहाँ भी आपंकर सर्टिफिकेट थी यहाँ पर गोटे गोटे ना चारोटी पासपोर्ट साइज फोटो रखिथे कलर फोटो। जदि आपंकर कैटेगरी स्पेशल होती जेपर कि एससी एसटी ओबीसी एससीबीसी किंवा फिजिकल हैंडीकैप्ड जदि आपंकर किसी भी होती तेज तार प्रमाणपत्र जेरॉक्स कॉपी साथ थे। आईडी प्रूफ में तीन ऑप्शन अच्छी जहाँ भी आपने किंतु आधार कार्ड टी बेटर ऑप्शन रहा। जदि आपखे आधार कार्ड थी तो आधार कार्डर ओरिजिनल सहित जेरॉक्स कॉपी को भी साथ जीवे। तो फ्रेंड्स जितेबाला आपने अप्लाई करेंगे अप्लाई कला समय यही 5 रु 6 डॉक्यूमेंट आवश्यक पड़ो। जदि आपखे ये सब डॉक्यूमेंट गुड़िक थी तो अप्लाई करेंगे। जदि आपखे एक्सपीरियंस थी तो से एक्सपीरियंस जेरॉक्स कॉपी सहित ओरिजिनल को भी साथ जीवे।
यहाँ देखु आप्लाई किपर करेंगे एथपाई तो ऑफलाइन प्रोसेस रही आपने डायरेक्ट इंटरव्यू अटेंड करेंगे तो चलो ये आलोचना करवा जे आपने किपर ए आप्लाई करेंगे यार आप्लाई करार फुल प्रोसेस टी मुझे जन फ्रेंड्स एपण मैंने किपर आप्लाय करेंगे आप्लाई करार फुल प्रोसेस टी मुझे कह एपड़ोटी शेष पर्यटन देखी नि प्रथम आपने कौन करेंगे ना निज मोबाइल या गूगल को ओपन करेंगे ओपन कला सर्च करेंगे कौन सर्च करेंगे सिंपली टाइप करेंगे ओडिशा देन स्पेस लिखे जिओ भिट सॉरी फ्रेंड्स लिखे जिओ भिट देन स्पेस लिखे जॉब देन लिखे डॉट देन लिखे इन देखिपे फ्रेंड्स मुझे कौन टाइप कले सिंपली आपने एबल टाइप करेंगे टाइप कलापर पाखर थी सर्च बटन उपर क्लिक करेंगे फ्रेंड्स देखो सर्चर ऑप्शन उपर क्लिक कलापर आपखे ओडिशा जिओ भिट जॉब रईट आसी तो सिंपली आपने सैट्र लिंक उपर क्लिक करूँ देखो फ्रेंड्स क्लिक कलापर आपखे यही सैट्रे जहाँ भी नुआ नुआ जॉब आसी तार लिंक देखा मिले यह छड़ा मेट्रिक पास प्लस टू पास और पंचायत लेवल जॉब ऑप्शन भी अच्छी आपंकर क्वालिफिकेशन अनुसार अप्लाई भी करें यहाँ पर सिंपली टे तौक स्क्रॉल करेंगे देखिपे ये एक मोर जॉब्स ऑप्शन अच्छी यहाँ पर आपके आईसीएआर ओडिशा एग्रीकल्चर ऑफिस जो तरफ आसी नोटिफिकेशन लिंक टी आपको प्रथम देखा मिले यह छड़ा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तरफ किसी वैकेंसी रही है जहाँकि सीबीओ पोस्ट पंचायत लेवल जॉब रही है किट भुवनेश्वर तरफ किसी वैकेंसी रही है आपंकर क्वालिफिकेशन अनुसार अप्लाई करेंगे एटर लॉर्ड मोर ऑप्शन अच्छे एटे क्लिक करेंगे जहाँ भी नुआ नुआ वैकेंसी आसूस तार इनफर्मेशन पारे एवं मुझे एग्रीकल्चर ऑफिस विषय कहि तो सिंपली आपने ये जो आईसीएआर रिक्वायरमेंट नोटिफिकेशन अच्छी एटे क्लिक करूँ फ्रेंड्स आपने से आईसीएआर रिक्वायरमेंट नोटिफिकेशन लिंक उपर क्लिक कलापर आपको ये पोस्ट सब इनफर्मेशन देखा मिले तो भल भाव चेक करेंगे जपरिक नोटिफिकेशन टी क्यों आसी क्यों क्यों पोस्ट रही केबे डेट रही किपर आप्लाय करेंगे प्लेस ऑफ पोस्टिंग कौन रही है से विषय लिखा जाए भल भाव पढ़ी पारे देखिपे आईसीआर रिक्वायरमेंट 2023 इंपोर्टेंट डेट लिखा जाए एथेर देखो इंटरव्यू डेट फॉर वाईपीएफ ऑफिसर आपंकर वाईपी ऑफिसर पोस्ट रही है ये आपंकर 11/12/2023 रही 10:00 एएम रु स्टार्ट हे देखो डिसेंबर 11 तारीख में आपंकर इंटरव्यू रही है वाईपी ऑफिसर पोस्ट में जदि आप स्किल्ड हेल्प पोस्ट अप्लाई करेंगे तो 12/12/2023 रही डिसेंबर 12 हो स्किल्ड हेल्प पोस्ट में आपंकर इंटरव्यू डेट तो चेक करेंगे भल भाव डेट पीडीएफ भी क्लीयरली मेनसन करी आपको किसी भी डाउट लगुच तो देखते ये पीडीएफ लिंक भी अच्छी जा चेक भी करेंगे तो जापरिले सैलरी क्वालिफिकेशन मेनसन अच्छी भल भाव चेक करेंगे देखते किपर आप्लाई करेंगे शेष इंपोर्टेंट लिंक अच्छी नोटिफिकेशन पीडीएफ लिंक अच्छी तो डायरेक्ट आपने जो नोटिफिकेशन पीडीएफ लिंक अच्छी लिंक लिंक उपर क्लिक करूँ फ्रेंड्स देखो आपने नोटिफिकेशन पीडीएफ लिंक उपर क्लिक कलापर आपखे ये किसी आसी देखते नोटिफिकेशन टी आईसीएआर जहाँकि कटक ओडिशा तरफ ही आसी अच्छी देखो प्रथम रही है आपंकर वाईपी ऑफिसर जहाँकि ग्रेड टू पोस्ट में रही है स्किल्ड हेल्प पोस्ट में वैकेंसी रही दरमा देखो क्यों पोस्ट में कैसे रही है ये आप 35,000 पर मंथ ए रही स्किल्ड हेल्प 18,000 पर मंथ क्वालिफिकेशन देखो कौन रही ना एमएससी इन देखिपे मेनसन अच्छी जदि आपखे यही दुईट मध्य कौन गोटे भी क्वालिफिकेशन थी तेज आप्लाई करेंगे देखिपे डिजेबल मेनसन अच्छी मीनस जदि आपखे यही सब योग्यता ना तेज भी आप्लाई करेंगे एक्सपीरियंस नथिले भी आप्लाई करेंगे कितु जब आपखे एक्सपीरियंस थी तो आपको ये प्रिफरेन्स मिले यापर जी आपंकर स्किल्ड हेल्प एसएच पोस्ट में आपंकर मेट्रिक विथ प्लस टू वोकेशनल इन एग्रीकल्चर देखो जदि आपंकर मेट्रिक सहित प्लस टू थी कौन थी ना वोकेशनल एग्रीकल्चर फील्ड में जदि आपंकर प्लस टू वोकेशनल तेज आपंकर डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर फील्ड जदि आपंकर एग्रीकल्चर फील्ड जब आपने डिप्लोमा करेंगे तेज भी आप्लाई करेंगे जदि आपखे ये दुईट क्वालिफिकेशन न तो और मेनसन अच्छी देखो मेट्रिक सहित जब आपखे दुई बर्ष एक्सपीरियंस थी एक्सपीरियंस भी आप्लाई करेंगे तो आपखे तीनो ऑप्शन अच्छी जदि आपखे ये तीनो मध्य गोटे क्वालिफिकेशन थी तो निश्चित रूप आप्लाई करेंगे एज लिमिट तो मुझे कहली मेनसन अच्छी एवं देखो इंपोर्टेंट डेट रही है डेट ऑफ इंटरव्यू मुझको जहाँ कही मेनसन अच्छी किसी भी चेंज नहीं यहाँ पर रही आपंकर प्लेस ऑफ पोस्टिंग जहाँकि कटक ओडिशा रही है और देखो जो इंटरव्यू आपंठ देवा जी ना आईसीएआर एनआरआरआई कटक ऑफिस इंटरव्यू देते तो पिला यार ऑफिशियल नोटिफिकेशन एथिरे क्लीयरली मेनसन कर टर्म्स एंड कंडीशन रे आपन को टीए डीए जहाँ भी अच्छी आपंकर सैलरी सहित अतिरिक्त आलांस विषय मेनसन कर एससी एसटी ओबीसी ये समस्त कैटेगर पिला जहाँ भी रही है आपंकर एज लिमिट वैकेंसी रो रिजर्वेशन सब मेंशन कर कौन कौन डॉक्यूमेंट आवश्यक पड़े केमी आप्लाय करेंगे
से विषय में पीडीएफ फुल डिटेल्स में मेनशन कर तो भला प्रथम पढ़े पीडीएफ टी जदि आपके क्वाफिकेसन थी तो आप्लाई करेंगे जदि न तो किसी चिंता ना अन्न किसी वैकेंसी रही जपरिक एसबीआई तरफ रही किट भुवनेश्वर तरफ किसी वैकेंसी आसी पंचायत लेवल जॉब रही मैट्रिक प्लस टू पास पाने तो आपंकर जहाँ क्वाफिकेसन थी से अनुसार आप्लाई करेंगे तो फ्रेंड्स यह संपूर्ण इनफर्मेशन जदि आपको किसी भी डाउट लगुच्छे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें।